हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल आर एम ऑटोमोबाइल्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ह्यूंडई अपनी क्रेटा के 7 सीटर वर्जन को भारत में जल्द लॉन्च करने जा रहा है। इस गाड़ी से जुड़ी मैं आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, जैसे इस गाड़ी की प्राइसिंग, लॉन्चिंग, डिज़ाइन, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा ह्यूंडई क्रेटा के 7 सीटर वर्जन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आर एम ऑटोमोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी कर लीजिए ताकि आपसे इस चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस कभी भी मिस ना हो। सबसे पहले जानते हैं ह्यूंडई क्रेटा के 7 सीटर वर्जन के नाम के बारे में। तो ह्यूंडई क्रेटा के 7 सीटर वर्जन का नाम होगा अल्काज़र, ALCAZAR, जो इस गाड़ी का एक्चुअल नेम होगा। अल्काज़र के डिज़ाइनिंग की बात करें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट व्यू होगा वो काफ़ी हद तक ह्यूंडई क्रेटा से मिलता जुलता ही होगा। सेंटर में आपको मिला करेगी कैस्कलेटिंग रेडिएटर ग्रिल, साथ ही में इसमें आपको मिला करेंगे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्लस LED DRS के साथ। बम्पर की बात करें तो अंडरडीट बम्पर में आपको सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट्स मिला करेगी और साइड में आपको मिल जाया करेंगे LED फॉग लैम्प्स। साइड व्यू की बात करें अल्काज़र की, तो साइड व्यू में आपको मिला करेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स, जो काफ़ी हद तक ह्यूंडई क्रेटा से मिलते जुलते रहने वाले हैं। साथ ही में इसमें आपको मिला करेगी रूफ रेल्स और टर्न इंडिकेटर्स मिल जाया करेंगे ऑन ORVM। अभी एक 7 सीटर होगी तो इस गाड़ी का जो व्हील बेस भी हो वो ह्यूंडई क्रेटा से थोड़ा बड़ा ही रहने वाला है। अल्काज़र के रियर व्यू की बात करें तो रियर व्यू काफ़ी हद तक इस गाड़ी का प्रीमियम रहने वाला है और क्रेटा से काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के रियर व्यू में। तो ऊपर में आपको मिला करेगा शार्क फिन एंटीना, रियर विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर और वाइपर्स का ऑप्शन देखने को मिला करेगा, न्यू डिज़ाइन LED बिग टेल लैम्प्स मिल जाया करेंगे, न्यू डिज़ाइन बम्पर और सिल्वर फॉक्स स्क्रिप प्लेट्स देखने को मिला करेगी। ह्यूंडई की तरफ से अभी तक कोई भी अल्काज़र को लेकर के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अल्काज़र को इंडियन मार्केट में काफ़ी बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसके बेस पर मैं आपको इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में बता रहा हूँ। अब जहाँ ह्यूंडई क्रेटा अपने सेगमेंट की एक कॉम्पैक्ट SUV है, वहीं अल्काज़र अपने सेगमेंट की एक प्रीमियमनेस SUV होगी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिला करेंगे। अल्काज़र में मिलने वाले इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिला करेगा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करेगा आपके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाया करेगा, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाया करेंगे, बोस के प्रीमियम 7 स्पीकर्स मिला करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट एंड रियर AC वेंट्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़, पैनोरामिक सनरूफ और ब्लूलिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिला करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अल्काज़र में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सील बेल्ट रिमाइंडर, ऑटो डिमिंग IRVM और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिला करेंगे। इसके अलावा टॉप एंड वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एयर प्योरीफायर, इसके अलावा रियर पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिला करेंगे। अब बात करते हैं अल्काज़र के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो अल्काज़र में आपको मिला करेगा 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो 140 BHP की पावर और 242 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 7 DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिला करेगा। इसके अलावा ह्यूंडई की अल्काज़र में आपको मिला करेगा 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 115 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस किया करेगा। इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिला करेगा। लोअर वेरिएंट्स की बात करें तो शायद इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मिल जाया करेगा, जो 115 BHP की पावर और 144 न्यूटन मीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस किया करेगा। अब बात करें प्राइसिंग और लॉन्चिंग की, तो ह्यूंडई अपनी अल्काज़र का प्राइस लगभग 13 लाख से शुरू करके 20 लाख रुपये तक रख सकती है। लॉन्चिंग की बात करें तो अल्काज़र जून या जुलाई के बाद ही लॉन्च कर दी जाएगी भारत में। बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो अल्काज़र का कॉम्पिटिशन महिंद्रा की XUV500, महिंद्रा मराडजो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मॉरिस गिराजिस की हेक्टर, टाटा हेक्सा और टाटा की अपकमिंग 7 सीटर SUV ग्रेविटा से रहने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। अल्काज़र की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जहाँ हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल RM ऑटोमोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपसे इस चैनल के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।